दोस्तों पूरी दुनिया को पता है कि हमारे चैनल पर ही आपको नए नए बिजनेस आइडियाज की डिटेल जानकारी मिलती है। तो आज भी मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक ऐसा ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, जो कि आप सिर्फ घर से 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो और दिन का 10,000 रुपए की कमाई कर सकते हो। जी हाँ, इतना बड़ा अमाउंट है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो छोटी सी मशीन है जिससे कि आप एक छोटा बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हो और इतना बड़ा मुनाफा कमा सकते हो, ये आज आप पहली बार देखने वाले हो पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक पर, पूरे इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके लिए जो ये मशीन लगती है जिससे आप प्रोडक्ट बनाओगे, ये प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि आप इससे प्रोडक्ट बनाते बनाते थक जाओगे, बट उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी मैं नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नए नए बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आता हूं, वो आपसे मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नए हटके बिजनेस आइडियाज ढूंढकर आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं आरोही पूजा इंटरप्राइज से। हेलो सर, जैसे कि आपके व्यूअर्स हमको इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं कि सर कुछ न्यू बिजनेस लाओ, कुछ न्यू आइडियाज लाओ, जो हम हमारे घर से भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। तो हमारी कंपनी ने बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया, बहुत सारा सोचा, उसके बाद हमारी कंपनी ने एक न्यू मशीन लॉन्च की है जो हम हमारे घर से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, ये मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। ये नए बिजनेस की जानकारी मैम हमें आगे देंगे। तो जैसे कि आपको आरोही मैम ने बताया कि मात्र 10,000 रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। मात्र 10,000 में हम आपको मशीन भी देंगे, उसके साथ डाई भी देंगे और रॉ मटेरियल भी हम आपको पहली बार प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेडीज भी इस बिजनेस को इजीली कर सकती हैं, क्योंकि इस मशीन से प्रोडक्ट बनाना बहुत ही इजी है। आप यहाँ से ऐसे हम प्रोडक्ट को अंदर डालेंगे और ये इधर से बाहर निकल जाएगा। मैनुअल है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही फाइन प्रोडक्ट निकल कर आता है बहुत कम समय में। ये बहुत ही फ्रेश बिजनेस है, इंडिया में आप पहली बार देखेंगे। और इस मशीन से जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो हर घर में यूज होता है, हर घर में आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट। इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो मात्र 1.5 रुपए में बनकर तैयार होता है और उसे आप मार्केट में 10 रुपए तक सेल कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉफिट इसमें हमें मिल सकता है। दिन का 5,000-10,000 कमा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैम सिर्फ बता नहीं रही है या फिर सिर्फ बोलने के लिए कुछ नहीं है, आगे मैम हमें प्रूफ करके बताएगी कि कैसे आपको इस मशीन से कैसे प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल क्या लगेगा और इतना बड़ा मुनाफा कैसे होने वाला है, वो भी मैम हमें आगे दिखाने वाली। और ये जो आप घर बैठे प्रोडक्ट बनाओगे उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी डिटेल जानकारी मैम आगे देने वाली है। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने। तो आइए मैं आपको दोस्तों दिखाती हूँ कि ये जो मशीन है हमारी छोटी सी, इससे आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मशीन में एक हैंडल होता है जो कि मैन्युअली चलता है, मैन्युअली काम करता है। इस तरह से आपको इसे मूव करना होता है और इसके लिए आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा स्पेस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, छोटे से स्पेस में ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और मशीन के साथ हम आपको ये डाई देंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और जो मेन चीज़ होती है वो होती है रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल कुछ इस तरह से रहेगा जो रोल की फॉर्म में रहेगा, और ये जो हमारा रोल रहेगा उसमें से आप डाई के अकॉर्डिंग इतना पीस कट कर लेंगे। और ये डाई के साइज का हमने ऐसे रॉ मटेरियल कट करके रखा हुआ है और डाई के ऊपर हमें ये रॉ मटेरियल कुछ इस तरह से रखना है। अब हमने इसको रॉ मटेरियल को ऐसे सेट कर लिया है। अब हम इस डाई को धीरे धीरे ऐसे मशीन में अंदर की साइड रखेंगे। हाँ। तो जैसे ही हमारा डाई मशीन के अंदर फिक्स हो जाए, हमें इस तरह से इस हैंडल को घुमाना है और ये धीरे धीरे इस तरह से अंदर चला जाएगा और इधर से बाहर की साइड इस तरह से निकल जाएगा। इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम सेकंड्स में ये आपका बनकर रेडी हो जाता है और बाहर हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार ये प्रोसेस दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल को हम जो डाई है हमारा उसके अकॉर्डिंग उसके कट कर लेंगे और उसके ऊपर रख लेंगे। फिर उसको हम मशीन में डालेंगे धीरे धीरे और सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद हम इसको हैंडल को घुमाएंगे तो हम आप देखेंगे कि जो डाई है वो आगे की साइड आ जाता है और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। बहुत ही कम सेकंड्स में ये आपका बनकर रेडी हो जाता है। आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इस तरह से निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से ये पार्ट निकल जाता है।
ये वेस्टेज हम इस तरह से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है ये। और इसके बाद हम आप देखिए कितना हमारा फाइन प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है, ये देखिए बिल्कुल शेप में कहीं से भी किसी तरह का कोई अलग से कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छे से फाइन प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ है। और इस तरह से हम ऐसे अपने सारे स्क्रबर को निकाल लेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए कितना फाइन प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ है। तो हमारा ये स्क्रबर पैड रेडी हो चुका है जो घर में बर्तन साफ करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये जो स्क्रबर बना है ये कितने दिन टिकता है अगर हम लोग इससे पूरा बर्तन वगैरह साफ करें तो? सर देखिए, अगर आप नॉर्मली घर में काम करते हैं, अगर तीन टाइम में आपके घर में खाना बनता है तो आराम से महीना तो आराम से निकल जाता है। तो मैम अभी हम लोगों ने देखा ये बर्तन धोने का जो ये स्क्रबर है, ग्रीन पैड जिसे हम लोग बोलते हैं, अब ये जब हम लोग बनाते हैं तो इसकी बनाने की लागत कितनी आती है और जब हम इसे मार्केट में बेचेंगे तो कितने तक बिकेगा, मुनाफा कितना होगा वो जरा बताइए। और आप इसे मार्केट में सिंगल सिंगल पीस करके भी बेच सकते हैं, 3 का बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं, 5 या 10 का बंडल भी बनाकर बेच सकते हैं। ये जो सिंगल पीस की इसमें जो लागत है वो 1.40 रुपया है, ठीक है, बट मार्केट में क्या है बंडल में ज्यादा बिकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये 3 पीस का पैकिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बनकर तैयार होता है पूरा 4.50 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आप उसे होलसेल में बेचते हैं तो वो 10 रुपए तक आप बेच सकते हैं, रिटेल में जाते हैं तो वो 15 रुपए तक आप बेच सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी भी जो MRP होगी, जो कस्टमर से लेता है इसको, वो 20-25 रुपए तक इसको खरीद सकता है ऑन एन एवरेज में। इसमें अगर आप 3 पीस का एक पैकेट रेडी करते हैं तो इसमें आपको सीधा 5 रुपए का मुनाफा होता है। आप एक दिन में 6,000 से 7,000 पीसेस बना सकते हैं इस मशीन के द्वारा बहुत ही आसानी से। और अगर आप इसे 3 पीस का एक बंडल बनाते हैं तो 2,000 बंडल ऐसे आप बना सकते हैं। तो आप खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि दिन का आपका 8,000 से 10,000 आप कमा सकते हैं एक दिन में आसानी से। और इसका जो रॉ मटेरियल रहता है, जो इसकी शीट होती है, वो मार्केट में 2 तरह का आता है, 8 mm और 10 mm। जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 10 mm का रहेगा और 10 mm ही मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है। मैम इस मशीन से एक स्क्रबर बनाना तो बहुत ही इजी है, बट मेन बात आती है माल बेचने की, सेल करने की। तो हम लोग इसे कहाँ का बेच सकते हैं जरा टिप बता दीजिए। जो क्लीनिंग आइटम वाले होलसेलर होते हैं आप उनको भी बेच सकते हैं ये, ठीक है, बल्क में बेच सकते हैं। और रिटेलर को भी सेल कर सकते हो, जैसे मॉल्स हो गए, शॉप्स हो गई, फेरी वाले हो गए, किराना शॉप्स हो गई, उनको डायरेक्ट भी आप सेल कर सकते हो तो आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इसमें मार्केटिंग में भी कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इशू नहीं आएगा। ये इसकी डिमांड हर मार्केट में है, हर जगह है, हर घर में है, तो ये प्रोडक्ट आसानी से आपका बिक जाएगा।